दबाज का लोग ऐसे तो नहीं मारते, लोग तो पंच भी कर सकते हैं, तब भी वो यही ब्लॉक। अगर यही चीज अगर मेरी छाती पे पंच कर रहा है, वापस लौट लो। ये देखो, जब भी हम लोग पूछते हैं मेरे से कि सर हमेशा लोग ऐसे तो नहीं मारते, लोग तो पंच भी कर सकते हैं, जो पंच भी हो या ऊपर से आए कुछ भी आए, तब भी वो यही ब्लॉक है। अगर यही चीज अगर मेरे छाती पे ये पंच कर रहा है, तब भी यही ब्लॉक है। ये ब्लॉक जो है सामने से जो भी आ रहा है सबको दबाना है। ड्यूअल प्रैक्टिस करेंगे तो यहां से मैं जब अक्षय की तरफ बढ़ के मार रहा हूं, अभी पीछे मत जाओ, ये कान पे मैं मार रहा हूं, ठीक है। अब अक्षय को इसमें करना क्या सिस्टमेटिकली, अगर ये चीज हम लोग सामने खड़े हैं, एक दूसरे के सामने खड़े हो जाओ, अब रक्षे राइट आगे बढ़ा के मेरे कान की तरफ मारो, ये तो ये मेरे कान की तरफ आ रहा है ना, तो इसको अगर मुझे बचना है तो व्हाट आई कैन डू, गो ये बच गए और कान पे मार, ये नीचे की तरफ पीछे आना है, ये कान उधर रख के नहीं रहा की तरफ, कान पे एम करो अगेन, ये ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ के दबाए ना, तुरंत मेरा जाएगा, मार रहा तो मैं भी खड़ा थोड़ी रहूंगा, ये मार, ये दबा इसको, दबा, हाँ अभी आओ। कॉन्टैक्ट में हम लोग जब इसको सिंगल नहीं सीखते हैं, ये तो ड्यूल में मैंने आपको समझाने के लिए किया, जब हम सिंगल नहीं सीखते तो क्या करते हैं, यहां से लेफ्ट से आगे बढ़ा, मारा, मारते ही आपने लो, एक बार करके दिखा, आगे बढ़ के मारा, खैच मारो, वापस लोग लो। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, तट तट अड़ी अमरती, अमरती मतलब दबाना, अरंगी मतलब पीछे जाना। तो क्या हो गया यहां पे, क्या हो गया यहां पे, तट अड़ी ये मार दिया, अमरती एरंगी मतलब ये जो पैर पीछे से जो पीछे आया, दैट इज व्हाट एरंगी इज, समझ रहे हो। एक साथ खड़े खड़े हो जाओ सीधे, हाँ राइट पैर पीछे, तट्टेरी अमरती एरंगी, ये दबा नहीं रहे हो, पर दबा के तुम्हें ऐसे गिरना नहीं पूरा, ये देखो ये स्टेप आगे है, यही सेम स्टेप पीछे, तो प्रॉपर खड़ा होना है। तो ये गैप कितना होना चाहिए आपके पैरों के बीच में, वन नी गैप, वन से गेम करने से कोई ब्लॉक नहीं होगा, तट्टे अड़ी करके ये वाला हाथ भी ना पूरा ऊपर से लेके आना है, पूरा पूरा ये इधर सीधा होगा हाथ, ये इधर देखो सीधा, समझ में आया, स्ट्रेट उसके सारी दिशा होगा, चाहे वो पंच हो चाहे कान पे हो, सब कुछ इसी में ब्लॉक होगा, ठीक है। वन से गेम तट्टे अड़ी खींच के मारो, अमरती अरंगी जोर लगा के मारो, तट्टे अड़ी अमरती अरंगी, क्या ये आगे पीछे जो तुम्हारा स्टेप है, इट शुड बी वेरी फास्ट एंड बैलेंस्ड। जब भी आप ये मूवमेंट करोगे, सबसे बेसिक चीज क्या है, आपका स्टैंड, जो आपका ग्रिप है ये प्रॉपर आना चाहिए, समझ में आया। तो सिस्टमेटिकली अभी यहां पे क्या हुआ, आपने ब्लॉक किया, आगे मारा और उसके बाद आपने इसको पीछे लिया। अब हम लोग एक और बार आगे बढ़ेंगे, तट कर जब भी हम आगे बढ़ते हैं ब्लॉक के साथ आगे बढ़ते हैं, ये तो क्लियर ही आपको, तो एक बार मैंने मारा फिर ये ब्लॉक लिया, अब सेकंड में मैं और जोर से मार के एक और चीज उसमें एड ऑन कर रहा हूं, तट अड़ी वेट, वेट मतलब क्या हो गया, काटना, स्ट्राइक, देख रहे हो ये हटते हुए ही जा रहा है, तो अगर क्लोज में कोई है तब भी ये हटना है बंदा, समझ रहे हो ना, तो ये ब्लॉक बहुत जरूरी है, तो ये ब्लॉक के साथ पीछे जाओ, तो ये मारा मेरे कान पे और इसी को वापस लेके कहां पे स्ट्राइक है, ये
यहाँ से फुल फोर्स से खींच के बाद लो अगेन पीछे हो गया लो ये देखो ये योर बॉडी आल्सो ट्विस्ट हियर लुक एट दिस और यहाँ से फुल बॉडी के साथ खींच के मारो अगेन लो पीछे गो अहेड अगेन लो पीछे गो अहेड इधर लो इधर इधर ये अब इसको खींच के बाद हाँ दोबारा मार खींच के पीछे से आगे मार जोर से वही रख और जोर से मार खींच के मार गुंशिका और हाथ देखो ये गुंशिका ने जब मारा है तो इसका हाथ यहाँ पे एल्बोज बेंड हुआ बेंड नहीं करना है एल्बोज को ये यहाँ पे लेने के बाद इट शुड बी कंप्लीट कंप्लीट सीधा जाना है ये अगर ऐसे अंदर रखेगा तो ये टूट जाएगा जिसको आता है मारना वो ये तोड़ देगा इसको अच्छी तरीके से समझ रहे हो तो ये कैसे रखोगे इसको ये सीधा रखना है ठीक है एक हल्का बेंड भी देना है समझ में आया तब ये नहीं टूटेगा तो हमेशा जब भी ध्यान रखो जब आप आगे बढ़ो ना तो ये ही होना चाहिए आपका पैर ऐसे या ऐसे नहीं रखना ठीक है रेडी तट्टाड़ी आगे मारो वेट अरे बैक आगे मारो दोबारा एंड वेट अब उसको वहां पे ब्लॉक करके वहां के बढ़ो हाँ जाओ आगे बढ़ के सेम चीज हाँ वापस ब्लॉक फिर आगे बढ़ के